हम सामाजिक उत्थान की राजनीति करते हैं और इसलिए समाज का हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में। और आज इस वक्त हम खड़े हैं बाहुबली नेता, पूर्व विधायक रहे, पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह के आवास के बाहर। आज दिन भर ही उनके साथ हम गुजारेंगे और साथ ही साथ उनकी चुनावी सभाओं को, उनके चुनावी जनसभाओं को, उनके पदयात्रा कार्यक्रम को, जनसंपर्क अभियान को साथ उनके साथ हम दिन भर रहेंगे और साथ ही साथ जनता के बीच में भी हम जाने की कोशिश करेंगे और नव सटोलों की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं। तो शुरू करते हैं अपना हम ये चुनावी सफर धनंजय सिंह के साथ। नाश्ते की टेबल पर मौजूद है और स्पीच कुछ इनके व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, अगर मैं बात करूं दिनचर्या की, आपकी बात करूं तो कैसे शुरुआत होती है दिनचर्या की आपकी? सवेरे उठता हूं डेली, जो दिनचर्या आपसे निवृत्त होकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूं, उसके बाद स्नान ध्यान थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लेके खेत में निकल जाता हूँ। मौसम करते हैं जो लोग गांव घर पे आए हुए होते हैं उससे भी अब मिलेंगे भी नीचे, उन लोगों से मिलूंगा थोड़ी देर, उनकी समस्याओं को सुनकर चुनाव प्रचार में निकल जाऊंगा। नाश्ते की बात करूँ, काफी मतलब कह रहे थे स्ट्रॉन्ग नाश्ता रहते हैं कि लाइट रहते हैं, और दूध मुझे लगता है काफी पसंद है आपको। हाँ, क्योंकि दिन भर आपको वॉक करना होता है। अच्छा, दही और दूध में दोनों बहुत खाता है। अच्छा, तो दिन में जितना आपका शरीर थका रहे उतना अच्छा है, आप प्रोटीन की मात्रा बॉडी में मिल जाए, एनर्जी लेवल आपका बना रहे। और दिन में भी हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं, गुलाब वगैरह, तो उससे एनर्जी आती है। गुड़ खाते हैं बहुत, मैं गुड़ भी बहुत सेवन करता हूँ। अच्छा, हाँ गुड़। अच्छा, एनर्जी के साथ साथ ये बात करो कि साथ दिन भर के साथ रहना है तो वो एनर्जी मुझे भी दी जा रही है। ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं और ड्राई फ्रूट के साथ साथ दूध का सेवन भी किया जा रहा है। धनंजय जी के बारे में मैं बोलूं कि क्या कुछ पसंद करते हैं, पसंद और नापसंद की बात करो, खाने में क्या कुछ पसंद करते हैं? खाने में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें नापसंद नहीं की जा सकती? अच्छा, खाने का कभी अपमान नहीं किया, उसमें पसंद और नापसंद लगने पर दिल के करीब, मतलब जो आपको बोल करके बोलते हो नहीं यार ये बना लीजिए, कभी आपके मन में कुछ होता हो मतलब? तो भी सादा दाल चावल रोटी सब्जी जो मिले वही सब चीज़। अच्छा, वैसे कुछ हरी सब्जी ज्यादा पसंद? हरी सब्जी ज्यादा पसंद। लगातार हालांकि चुनावी माहौल है, लगातार आप चुनावी चुनावी क्षेत्र में बिजी भी रहते होंगे, और वैसी बात है कि आप विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन अगर पहले नॉर्मल इंसान ही है, अगर गाने की बात करूँ तो कोई ना कुछ दिल का करीब होगा, कोई ऐसे तो गीतकार गीत गाने आप पसंद करते हो? जी, गजल बहुत अच्छी लगी मुझे, उससे नाराज नहीं है मासूम से। हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। फिल्मों में रुचि रखते हैं, गानों में भी रुचि रखते हैं। अगर मैं हॉबीज की बात करूं, राजनीति के अलावा क्या कुछ हॉबीज रखते हैं, आप अपने लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? ट्रैवलिंग हमारा बहुत वो है, शौक है। हिंदुस्तान राजनीति कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान को घूमना, समझना, जानना, मैं बाय रोड बहुत ट्रैवल करता हूँ। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल किया एकदम पूरा। अच्छा। गैंगटॉक से लेके सोमनाथ तक बाय रोड ट्रैवलिंग है मेरी। अच्छा, और खेलों की बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत आपका नाम है, क्योंकि खेलों में भी आपने काफी काम किया है। खेलने की इच्छा है। क्या कुछ खेलना पसंद करते हैं खुद? खेलना तो मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा खेल है फुटबॉल है।
इस समय में लगातार चुनाव चुनाव क्षेत्र में आपका जाना होता है, लगातार आपके प्रचार प्रसार लगातार लगा रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, परिवार की ओर से कितना सपोर्ट आपको मिल पाता है? परिवार की ओर से पिताजी तो हमारे स्वास्थ्य ईश्वर की दया से ठीक है, रहते हैं घर पे, जो लोग आते जाते रहते हैं उनसे मिलते हैं, और बाकी मेरा भतीजा है, बड़े भाई हैं, वो भी प्रयास करते हैं जितना लोगों के यहाँ आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, और मेरे भतीजे भी हैं, वो लोग भी अपना रुचि रखते हैं। बाकी एक हम लोगों का राजनीति में सिर्फ परिवार ही नहीं होता है, राजनीति में एक समूह से राजनीति होती है, हमारे बहुत से शुभचिंतक हैं, साथी हर जगह पे हैं, जो लोग समय समय पे अपनी भागीदारी हमारे साथ निर्वाह करते हैं राजनीतिक रूप से, क्योंकि राजनीति हम लोग सामाजिक कल्याण के लिए, समाज का बेहतरी हो सके इसलिए कर रहे हैं। इस बीच अगर मैं बात करूँ, अपने परिवार के लिए कितना वक्त दे पाते हैं, अपने बेटे को कितना वक्त दे पाते हैं? ये बहुत कठिन सवाल है आपका, कम से कम अपने बच्चे के साथ मैंने बहुत समय बिताया। नाश्ता कंप्लीट हो गया है, और नाश्ते के बाद अब आगे की क्या कुछ शेड्यूल? नीचे चलता हूँ, लोगों से मिलूंगा, उसके बाद फिर प्रचार क्षेत्र में चले। तो चलिए, हम लोग भी तैयार हैं चुनाव क्षेत्र में चलने के लिए, धनंजय सिंह के साथ। तो हम लोग के चुनावी सफर की शुरुआत हो चुकी है, निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे धनंजय सिंह के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और पहला पड़ाव रेठी गांव है। लेकिन उससे पहले धनंजय जी, ये जानना चाहते हैं कि तमाम तरह के जनसंपर्क अभियान आप कर रहे हैं, इस दौरान चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले धनंजय सिंह क्या किसी प्रकार का कोई होमवर्क करते हैं जनता को संबोधित करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए? नहीं, होमवर्क जनसंपर्क का अभियान होता है लोगों से मिलना जुलना, और बाकी जब मीटिंगें करते हैं तब लोगों को संबोधित करते हैं। होमवर्क देखिए, 15 साल से इस विधानसभा और जिले की राजनीति कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के इश्यूज में कहाँ क्या समस्याएं हैं लगभग सभी से मैं भली भांति अवगत हूँ, शायद मुझसे ज्यादा इस जिले का कोई नेता उन सब समस्याओं से कंसर्न हो या उससे परिचित हो। हम लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं 24/7, खासतौर से गरीब मतदाता उनको बरगला के बहला के 1,500 रुपए वोट दे के जो लोग करते हैं यहाँ के, जो जिनको राजनीति में 4 साल काम नहीं करना है, 5 साल, और चुनाव के समय आके लालच प्रलोभन दे के लोग वोट लेने का प्रयास करते हैं, शराब भी लोग पिलाते हैं, वही उन लोगों को अवेयर करता हूँ इन सब चीजें से ना करो। हम लोग 5 साल आपकी सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, और जनता समझती भी है और वो करती भी है, बस यही सब चीजों से अवेयर किया जाता है उनको। अच्छा, मैं ये अगर मैं बात करूं कि अभी तमाम तरह के चुनावी सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम होता है, कोई खास मुद्दे होते हैं जनता को लुभाने के लिए, जनता के साथ वादे करने के लिए? क्योंकि नेताओं की बात करें, आपकी बात करें, सभी जो चुनावी समर में तमाम तरह के वादे और सपने दिखाए जाते हैं, आपकी ओर से इस मुद्दे को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर, इस प्रकार के क्या कुछ इस पर कुछ होमवर्क होता है? नहीं, हम लोग किसी को वादे और लुभावने सब नहीं करते हैं, जनता हमारे यहाँ। देखिए, मैं आपको एक बहुत कट सत्य बताता हूँ, राजनीति जाति खेमे में बटी हुई है उत्तर प्रदेश की। एक जात वर्ग विशेष के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, वही उनका आधार है, उसी तरीके से BSP का भी है। हम लोग जात विशेष उनके भी वोट बैंक से, उनके जो जाति है उनसे भी लोग टूट के हमारे साथ रहते हैं, और जातियों के लोग भी हमारे साथ टूट के रहते हैं, और उनको ये मालूम है कि धनंजय सिंह यहाँ की समस्याओं को लेकर, या जो जिन सड़कों पे चल रहे, सुदूर सड़कें थी, यहाँ सड़कें नहीं थी जब मैं विधायक बना था, यहाँ पे पगडंडियाँ हुआ करती थी, हम लोगों ने सारी सड़कें बनवाई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। 5 साल कैबिनेट मंत्री थे भारतनाथ यादव, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैंने प्रदेश का बहुत विकास किया। कौन सा विकास किया आपने? हाईवे बनवा देना ही विकास नहीं होता है। आपके अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण अंचल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में क्या काम किया, उनके सामाजिक लोग से जो गरीब है, विपन्न है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम किया है, कभी अखिलेश जी ने इस विषय में एड्रेस नहीं किया। अगर मैं ये तमाम तरह के आप विकास के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक जातीय राजनीति है, धर्म के आधार पर जाती है, धर्म के आधार पर राजनीति यहाँ पर की जाती है, अगर धनंजय सिंह की बात करें तो वो किस प्रकार की राजनीति करना पसंद करते हैं? हम सामाजिक उत्थान की राजनीति करते हैं, और इसलिए समाज का हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। यूथ से कंसर्न इश्यूज पे हम लोग काम करते हैं, किसानों से कंसर्न इश्यूज पे काम करते हैं, और जो गरीब आदमी यहाँ पर, जो तमाम रिपोर्ट्स बनी, आपको मालूम होगा किलकर कमेटी, NC सेक्शन कमेटी, कई कमेटियों ने समय समय पे अपनी रिपोर्ट ही दी, BPL
को लेकर, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को लेकर कभी कहा गया 73% है, कभी 56%, कभी 37% मैनिपुलेशंस हुए इसमें। तो आप गांव में जब घूमेंगे आपको देखेंगे आज भी 50% से अधिक लोग गरीब हैं। हम लोग उनको ज़्यादा कंसर्न करके काम करते हैं, राजनीति इसीलिए है, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। वो सारे लोग उसमें आप जाके घूमेंगे 80% लोग हमको, आप इंडिपेंडेंट जाके घूमिए हमारे क्षेत्र में देखिए 80% लोग उसमें से हम लोगों के साथ एकदम सद्भाव के साथ जुड़े हैं। आपने युवा वर्ग की बात करी और मैं आपके अगर पर्सनल उसकी करियर की बात करूं तो छात्र राजनीति से आपने अपने करियर की शुरुआत की, छात्र राजनीति आपने की, उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में आए, कैसे मतलब क्या कुछ सोचा? पहले से प्लान था कि एकाएक आप बढ़ते चले गए और फिर पहले छात्र राजनीति और फिर सक्रिय राजनीति में आप सक्रिय हुए, इस बीच में क्या कुछ रहा इसके बारे में अगर कुछ बताएं आप? नहीं, मैंने 1991 में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे असेंबली लड़ना है और इसी से तभी इस असेंबली का नाम रारी हुआ करता था। उस चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे यहाँ से और यंग थे हम लोग और एक कैंडिडेट का यहाँ सपोर्ट किए थे, उस समय बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे, उस समय राम लहर था, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा लगा करता था। तो वो एक उन्माद था हम लोगों ने उस उम्र में देखा, उम्र में इतनी समझ में नहीं थी, तो उसमें हम लोग सारे लोग उसमें चुनाव में मेहनत किए पूरा और देखे उस चुनाव में। बीजेपी यहाँ हार गई, चुनाव हम लोगों ने मदद की, लेकिन हमने देखा हारे क्यों। बीजेपी बेसिकली फॉरवर्ड पार्टी बन के रह गई थी, कभी भी ओबीसीज के वोट मांगने नहीं गए, दलितों के वोट मांगने नहीं गए लोग, हम लोग भी देखते थे जो प्रचारक जाते थे आते थे। फिर उस चुनाव को मैंने एनालाइज किया और समझा, उससे मुझे लगा कि अगर इन सभी लोगों के पास जाया जाए मिला जाए तो, उसके बाद लगातार मैंने 10 साल इन छात्र जीवन में रहने के, छात्र राजनीति रहने के बावजूद भी हमारा उद्देश्य था राजनीति करना। राजनीति की बात करूं तो आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी विजय हासिल की है और किसी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़कर विजय हासिल की है, इसकी कुछ खास वजह रही है यहाँ पर? हमारे यहाँ यादव का इतना डोमिनेंस है इस समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते हैं गुंडा राज। तो बेसिकली मैं नहीं कहता हूँ कि अखिलेश यूथ मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने, अब बीइंग ए मुख्यमंत्री उनको कंट्रोल करना चाहिए था, क्यों नहीं वो अपने लोगों पे, अपने एमएलए मंत्री जो उनके क्षेत्रीय छत्रप हैं उन पे लगाम क्यों नहीं लगा पाते हैं, मुझे ये बड़ा एक सवाल था। अब देखता हूँ, अब इस बार तो लगा कि उनके पिताजी और तमाम लोगों का इंटरफ्रेंस रहा, चाचा का, तमाम जो उन्होंने कहा भी, जैसा उनका स्टेटमेंट आया परिवार में टूट की वजह से मैंने कांग्रेस से गठबंधन किया, एक हिसाब से उन्होंने अपनी हार हताशा को स्वीकार किया। इनको बोलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव को का स्टेटमेंट ये कहीं ना कहीं बेईमानी का स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पूरे देश में जिस तरीके की राजनीति आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या मैं कह रहा हूँ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज की डेट में अलग हो चुकी है। जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो देश के, हमें जो मैं समझता हूँ कि सारे क्षेत्रीय जितने क्षेत्रीय दल हैं, जो लोग भी लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं, जो नए चेहरे हैं, समझदार लोग हैं, उनको एक फ्रंट पे आना चाहिए और इन्हें चुनौती पेश करना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ ये बात होनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप परिवार टूट की वजह से आप कांग्रेस साथ गठबंधन कर लिए, ये हताशा भरा वक्तव्य था, इससे तो समाजवादी पार्टी आज के डेट में देखता हूँ चुनाव के तीसरे स्थान पर खड़ी हुई है। तो अपने तरीके से अपने विचार को प्रकट करते हुए धनंजय सिंह, और पहला जो पड़ाव है रीठी गाँव वो आ चुका है और उनके साथ अब जनसंपर्क अभियान में हम भी उनके साथ इस सफर में आगे भी जारी रहेंगे। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति, जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। एचआईवी का इलाज संभव, एचआईवी को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा संपर्क करें, भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। तो
दिन भर हम लोग धनंजय सिंह जो कि निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं मलानी विधानसभा सीट से और अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान में वो जुटे हुए हैं और इस वक्त हम लोग रामनगर ढेरा पे खड़े हुए हैं और वहां भी जनसंपर्क उनका अभियान जारी है। लगातार लोगों से मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन यहां की जनता क्या कुछ सोचती है, यहां कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, नेताजी आए हैं वोट मांगने के लिए? नेताजी आए हैं वोट मांगने के लिए, हम लोग देंगे। कितनी उम्मीदें हैं उनसे? वाकई में जो वो वादे करते हैं, जो सपने दिखाते हैं, वो पूरे होते हैं? जी पूरे होते हैं और होगी फिर। हाँ, और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोगों की कामनाएं वो पूरा करेंगे। हाँ, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। क्या कुछ कहेंगे नेताजी, फिर से एक बार वोट मांगने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? साहब हमारे भैया जीत जाए, हमें बड़ी खुशी के बाद बा, हमें गरीब के सहारा दे दें, बस हम खूब खुशी है भैया। इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे, आते हैं इससे पहले भी कुछ किया है इन्होंने? आते हैं, दुख सुख में आते हैं, हम मतलब पानी किसी का काम धंधा जैसे पढ़ाई लिखाई सबको मतलब देते हैं, कोई उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। क्षेत्र को देखने के लिए, आप लोगों के दुखों को ठीक करने के लिए आते हैं? आते हैं, सब चीज करते हैं। धनंजय भैया जी से चाहे सब चीज करते हैं, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब चीज करते हैं। हमेशा है फिर रहेंगे। क्यों 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 मेरे गांव का है, हम लोग सहायता करते हैं, जो कहते हैं उसको सुनते हैं, इसलिए युवा शक्ति की बात भी करते हैं, युवा लोगों के राजनीति भी करते हैं। आप भी एक युवा हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? हमसे जो उम्मीदें हैं सो हम पा जाते हैं, हम इनसे खुश हैं, सहमत हैं। तो तमाम तरह के जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो तो उनके सपोर्ट में ही मिल रही है, लेकिन अब ये देखना ये जरूर दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, उस वक्त जनता का क्या कुछ नतीजा होगा, जनता का क्या कुछ जवाब होगा। तो सुबह 9 बजे का निकला हुआ काफिला और धनंजय सिंह का और उनका जनसंपर्क लगातार अभियान जारी है, डोर टू डोर कैंपेन, और लगातार वे चलते इतना पैदल हैं कि लोगों की जो भीड़ है उनके पीछे चलती है, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस अगर मैं कहूं कि शाम 5 बजे है और जनसंपर्क अभियान जारी है, और जिस प्रकार से आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं, एक अलग प्रकार की रणनीति, मैंने देखा और भी नेताओं को चुनावी जनसभाओं में वो ज्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन आपकी एक अलग नई रणनीति यहां देखने को मिली। देखिए मैं चुनावी जनसभा भी करता हूं, लेकिन बहुत दिन बाद आज जनसंपर्क, मैंने कहा डोर टू डोर चल लिया जाए, लोगों के पास सबसे मिला जाए। मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ता था तब मैं डोर टू डोर कैंपेन किया करता था, मैंने 2002 में डोर टू डोर कैंपेन किए, 2007 में किया, आज मैं 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं, उसके बाद पार्लियामेंट हो गया, तो आज मैं इसलिए सोचा कि एक बार डोर टू डोर सबसे मिलकर लोग जानते हैं पहचानते हैं, इंटरेक्शन इतना मेरा था असेंबली के इलेक्शन में जब मैं लड़ता था, उसको पुनः एक बार मैंने कहा कि रिवाइव कर दिया जाए सभी लोगों को। आप हमारे साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारी माता समान महिलाएं हैं वो सब लोग इतना प्रसन्न होते हैं घरों पे जाने पे, मिलने पे इतना आशीर्वाद देते हैं, बस इसी बहाने लोगों के साथ सब मिलना जुलना हो जाता है चुनाव के। आप जब चलते हैं और आपके पीछे जो आपके समर्थक चलते हैं, उन समर्थकों को आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी शिकायत जरूर करते हैं। हाँ देखिए, मैं जब हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था तो मैंने कहा, अपने नौजवानों से कहा था, हमने कहा मैं 20-22 साल के लड़के को पीछे छोड़ दूंगा चलने में, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो कंपटीशन की भावना पैदा किया बच्चों के अंदर, दौड़ो मेरे साथ चलो, तो दौड़ता हूँ थोड़ा बहुत, हम लोग अपने फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं इसलिए चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है धनंजय सिंह का, और तमाम तरह के लोगों से मिलते हुए और वोट की अपील करते हुए, और उनका मानना यह है कि पुराने सांसद हैं, रहे हैं, विधायक रहे हैं, और सिर्फ इंट्रैक्शन जरूरी है, तो एक बार फिर से अपने इंट्रैक्शन को रिविजन करने के लिए यहाँ पर वे पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव बोल दे देना, यही है ना भाषण, तुमने ऐसा काम ही क्यों किया भाई, आपने जनता के लिए अच्छा काम किए होते तो आज ये नौबत ही नहीं होती अपने नाम पे वोट मांगो। उधर अखिलेश जी कहते कि मैं प्रदेश में बहुत विकास किया, अरे आपने प्रदेश में बहुत विकास किया लेकिन यहाँ के गांव जो आपके क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया, गांव क्षेत्र में क्या विकास हुआ, ये भी तो पैमाना होना चाहिए। गांव के लोग संपन्न हुए, हम किस भारत की कल्पना करते हैं कि भारत बहुत सुंदर हो जाएगा, भारत की आत्मा गांव में बसती है,
गांव में हर जात बिरादरी वर्ग के लोग रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ परस्पर मेल भाव से रहते थे। और यहाँ की ग्रामीण जनता क्या कुछ सोचती है? वाकई में जो दावे कर रहे हैं धनंजय सिंह और निषाद पार्टी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जो दावे कर रहे हैं और जो वादे उन्होंने किए थे वाकई में वो पूरे हुए हैं? पूरे वादे हुए हैं, जितने काम किए हैं पूरे किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं। जिनका चुनाव भी अच्छा चल रहा है, अच्छी लड़ाई में चल रहे हैं, चुनाव उनके जीतेंगे। सारा जनता का काम किए हैं, दुख तकलीफ शादी ब्याह नल हैंडपाइप सड़क सभी इतना काम कोई आज तक जब तक देश आजाद हुआ नहीं हुआ। नेताओं का दौर है इस वक्त की चुनावी समर है, चुनावी समर में हर राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए कोशिश करते हैं, जनता के बीच में जाके वादे करते हैं। जिस प्रकार से वादे अभी जो सांसद जी वादे नहीं करते, एक काम करते हैं, वादे करते हैं ना, मंत्री जी की तरह गाँव गाँव नहीं घूमते, एक जगह बैठे रहते, इतना इतना लोग आके उनको खुद कहते हैं इलेक्शन लड़ो। ऐसा सांसद ऐसा विधायक पाना बहुत मुश्किल की बात है। इस क्षेत्र का भाग्य है कोई ऐसा विधायक सांसद पाए हुए हैं। हमारे मल्हनी विधानसभा को ही बदल दिए, हमारे यहाँ सड़क नहीं नाले बहते थे, आज सड़क सुंदर सड़क पे लोग चलते हैं, मेरे सांसद जी की देन है। तो देर रात जरूर हो गई है लेकिन जनता जिस प्रकार से जो अपने नेता के बीच में विश्वास भी रखती है और उनका ये भी कहना है कि जो इन्होंने कार्य किए किसी और ने नहीं किए, लेकिन जनसंपर्क और चुनावी अभियान का दौर धनंजय सिंह का लगातार जारी है और आगे भी यूं ही जारी रहे। चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद धनंजय सिंह अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त और क्यों? जीत के प्रति तो मैं 100% अश्योर्ड हूं, कहीं कोई इसमें कठिनाई नहीं है, इसलिए कि जनता वोट देना चाहती है, जनता उबी हुई है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे, कभी ना मंत्री रहे हैं और उनके जिस तरीके क्रियाकलाप रहे हैं, जिस तरीके क्षेत्र के प्रति उदासीनता रही है, जिस तरीके से उनके बच्चों ने यहाँ गुंडागर्दी की है, उसको लेकर यहाँ जनता में बड़ा आक्रोश है। और तो भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखते नहीं हैं, उन लोगों का कोई यहाँ पे आधार भी नहीं है। तो आपको लगता है कि आपको चुनौती देने वाला कोई भी राजनीतिक दल इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है? इस विधानसभा में कोई चुनौती मुझे नहीं पेश करने की स्थिति में है आज के उसमें। आप तमाम तरह की बातें तो कर रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी, धनंजय सिंह की बात करूं, तो जौनपुर की बात करूं, वे जौनपुर से सांसद भी रहे हैं और विधायकी का चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, दो बार आप चुनाव भी जीते हैं, तो ये सवाल तो आप पर भी लाजमी है कि और ये सवाल आप पर भी उठता है? ना बिल्कुल, आप जायज कह रहे हैं, लेकिन पहले जो मेरी जिस जिले के जो मेरे हालात थे, पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया ताकि यहाँ पे सड़क पानी बिजली ये जो तीन चीज़ें थी, हॉस्पिटल्स थे, इस पे लेकर हम फोकस रहे, पहले ये काम कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम रोजगार की दिशा में बढ़ें, किस तरीके से पर कैपिटा इनकम हमारे डिस्ट्रिक्ट लोगों की बढ़ सके। लगातार युवाओं की बात करिए, युवा आपके साथ हजारों हजार समर्थक आपके साथ जुड़ते हैं और आप हमेशा दावा भी करते हैं और हमेशा मन से उनके लिए बात भी करते हैं, लेकिन युवाओं के बेरोजगारी को दूर करने के लिए धनंजय सिंह ने क्या कुछ किया और क्या कुछ करना बाकी है? अभी देखिए, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं जी, अभी ऐसा अवसर नहीं मिला। इसके लिए सरकार की थोड़ी भागीदारी होनी चाहिए थी, अगर सरकार में ठीक से भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से हम इसमें बेरोजगारी दूर करने की दिशा में, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में बढ़ेंगे। अगर मैं धनंजय सिंह की बात करूं, धनंजय सिंह की राजनीतिक करियर की बात करूं, तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं, उन्होंने दो बार चुनाव जीता भी है, लेकिन आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ती है बीच बीच में? पहले आप बीएसपी के टिकट पर आप संसदीय चुनाव लड़े, हालांकि जीते भी हैं, और अब निषाद पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय क्यों नहीं फिर से एक बार? देखिए, निर्दलीय चुनाव जीते, निर्दलीय जिस तरीके की अवधारणा हो गई है, सरकार हम लोगों को लगा कि निषाद पार्टी, हम लोग नई पार्टी का गठन हुआ, डॉक्टर संजय निषाद हमारे पुराने मित्र भी थे, सामाजिक संगठन के रूप में निषादों का संगठन वो चला रहे थे, और उसमें चूंकि हमारे मतदाता, हमारे पदाधिकारी भी बहुत से संगठन से जुड़े हुए थे, इन लोगों ने जब पार्टी का गठन किया तो मुझे लगा कि चलो इनका उद्देश्य ठीक है, इनके साथ काम करते हैं, और प्रदेश में हम लोग अगर 8-10 सीटें जीतते हैं
15 सीटें जो हमें हम लोगों का, मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अगर हम लोग 10 सीटों तक जीतने में सफल होती है हमारी पार्टी तो निश्चित रूप में सरकार में हमारी भागीदारी होगी, और बगैर सरकार में भागीदारी हुए आप ये सोचिए कि बहुत कुछ कोई बेहतर नीतियां बना सकते हैं, ऐसा नहीं। जब कैबिनेट में आप होते हैं तो निश्चित रूप में सरकार को मजबूर करते हैं अपने अनुरूप कुछ योजनाएं बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर धनंजय सिंह की बात करूँ तो उनको कई नामों से जाना जाता है, उनको बाहुबली भी कहा जाता है, उनको डॉन भी कहा जाता है, उनको माफिया भी कहा जाता है, एक तरफ कई और कई आपराधिक मामले भी आप पर चल रहे हैं और कई आपराधिक मामलों में आप पर मुकदमे भी दर्ज हैं, एक तरफ जनप्रतिनिधि का किरदार और एक तरफ इस प्रकार के मामले, क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि होने के बाद 2002 में जनप्रतिनिधि होने के बाद मैंने दोनों अपने उत्तरदायित्व क्षेत्र में भी और सदन के अंदर बखूबी निर्वाह किया है, और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों की आप बात कर रहे हैं, जो लोग भी हमारी पृष्ठभूमि से जो कहते हैं ना, मुकदमे हो जाने से ही आपको अपराधी कह दिया जाए, माफिया कह दिया जाए, तमाम चीजों से नवाज दिए जाते हैं, इसमें कुछ हमारे मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है। 2002 में मैं मिले हुआ था, सरकार का विरोध किया था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने कहा कि निर्दलियों की भागीदारी सरकार में नहीं होगी, हमने कहा निर्दलियों को अपमान नहीं होना चाहिए, बगैर निर्दलियों की सरकार भी नहीं चलेगी, ये हमने कहा, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा कि एक ही दिन में 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए, अगर यही अपराध यही माफिया गिरी है तो फिर मैं सरकार ही परिभाषित करे। आपका कहना कि सत्ता की हनक के चलते आपको लगातार फंसाया गया? हाँ बिल्कुल, सत्ता मैं तो सत्ता का शिकार हुआ हूँ। बात करूँ आपकी राजनीति दलों की, आप बीएसपी से भी जुड़े, बीएसपी में आप जब जुड़े तब भी आप पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन जब पार्टी से आपको बाहर निकाला गया किसी आपके ऊपर उसी दौरान एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, और उसके बाद जब आप बाहर निकले आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया ये कह के कि ये दागी हैं और इनके दाग हमको अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए आज की डेट में बहुत अवसरवादी राजनीति हो गई, मैं बीएसपी की बात या एक दल की बात नहीं करूंगा जी। मैं पूरा कलेक्टिवली बात करना चाहूंगा, राजनीति अवसरवादिता की हो गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बीएसपी हो चाहे एसपी हो, जो उनके अनुकूल जो चीज जब सूट करती है उसके हिसाब से परिभाषाएं गढ़ते हैं, जब उनके प्रतिकूल है तो उस हिसाब से परिभाषा देते हैं, यही भारतीय राजनीति आज की। तो आपको लगता नहीं है कि यूज किया जाता है? हाँ आज की डेट में, मैंने आपको पहले भी कहा कि आज की डेट में राजनीति जो है स्टेज की तरह मैनेज शो हो गया है, नीत और विचार दोनों नीच, नीत विचार और सिद्धांत तीनों गौण है आज की डेट में राजनीति में, ये बड़ा दुर्भाग्य भारतीय राजनीति का। धनंजय सिंह से क्या कुछ अपेक्षा करे आम जनता? आम जनता को धनंजय सिंह से नहीं किसी भी प्रतिनिधि से ये उम्मीद करनी चाहिए जिसको वो चुन रहे हैं वो जनता के हितों के लिए काम करे, आवश्यकता उनके नीति नियंता के रूप में चुनती है जनता, तो वो सदन के अंदर उनके लिए बेहतर नीतियां बनाने का प्रयास करें, और जब आए क्षेत्र में तो उनके उत्थान के लिए क्षेत्र में भी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान के लिए काम करें, जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता, जनता यही उम्मीद करती है। मैं आपके ही करियर की अगर बात करूं तो छात्र राजनीति के बाद आपको सक्रिय राजनीति में लाने वाला वो कौन था, उसके बारे में अगर कुछ आप बता पाए? राजनीति मेरी छात्र राजनीति रुचि थी, विधानसभा का चुनाव में लड़ा, निश्चित रूप से मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि मैं इस राजनीति में हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ। हम लोग धनंजय सिंह के आवास पर भी आ पहुंचे हैं और तमाम तरह के सवालों जवाबों के बीच, हालांकि उनका चुनावी जो शेड्यूल था, आज की जो चुनावी जनसभाओं का जो कार्यक्रम था वो हालांकि खत्म हो चुका है और अब उनके पड़ाव पर उनके घर पर पहुंच चुके हैं। से जानने की कोशिश करेंगे, धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ लोग आए होंगे, हमारे जितने कार्यालय के लोग हैं वो आते हैं, उसके बाद उनके साथ थोड़ी ब्रीफिंग होती है कि क्या क्या काम हुआ है, कहाँ से लोग जो लोग प्रचार में गए थे वो लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, सारी चीज़ों पर हम लोग थोड़ा अभी बैठ के सारे लोग ब्रीफ करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद हम लोग कल के प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं।
तो एक बार फिर से नई सुबह के लिए नई रणनीति को बनाने के लिए तैयार है धनंजय सिंह, हालांकि फिलहाल अभी फिलहाल रिलैक्स मूड में है और अब आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग का जो सफर है, जो चुनावी सफर है, वो आज के लिए फिलहाल यहीं पर थमता है। हम सामाजिक उत्थान की राजनीति करते हैं और इसलिए समाज का हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है।